अलवर में विप्र फाउंडेशन परिवार की तरफ से रविवार को जेल सर्किल स्थित महावर ऑडिटोरियम में विप्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विप्र फाउंडेशन परिवार के छात्र छात्राओं को मंच पर बुलाकर मुख्य अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का विप्र फाउंडेशन परिवार की तरफ से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परशुराम भगवान की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर विप्र फाउंडेशन के कार्यक्रम आयोजक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि विप्र फाउंडेशन परिवार की तरफ से अभी कुछ दिन पूर्व ही सुंदरकांड और रामायण की चौपाइयों को लेकर प्रश्नोत्तरी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें अलवर शहर में करीब 10 केंद्र बनाए गए थे। उस प्रश्नोत्तरी के अंदर विजेता रहे छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा ब्राह्मण समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं और सरकारी नौकरी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया इसके अलावा विप्र फाउंडेशन परिवार की तरफ से पिछले साल भी प्रतिभा सम्मान समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अब यह दूसरा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुशील ओझा, दिल्ली से हर्ष त्रिवेदी, शहर विधायक संजय शर्मा, थाना गाजी के पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावा सहित पंडित धर्मवीर शर्मा आदि मौजूद रहे। विप्र फाउंडेशन अलवर की ओर से यह विप्र प्रतिभा सम्मान समारोह अलवर में महावर ऑडिटोरियम में आज भव्य गरिमापूर्ण तरीके से चल रहा है। यह कार्यक्रम अलवर जिले में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें श्री रामचरितमानस के कुछ अंश, सुंदरकांड और भगवान परशुराम के जीवन दर्शन पर आधारित इस तरह का जो एक प्रतियोगिता रखी गई थी, प्रश्नोत्तरी थी, जिसमें इसके पूरे अलवर में 10 सेंटर बनाए गए थे। और इस प्रतियोगिता में जो रिजल्ट आया है, उसमें प्रथम 3 बच्चे बच्चियों को जो है लैपटॉप और टैब आदि के पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। सांत्वना पुरस्कार भी हैं 22। और इसके अलावा अलवर की विप्र प्रतिभाएं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में कार्य किया है, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। यह द्वितीय कार्यक्रम है। प्रथम कार्यक्रम 1 वर्ष पूर्व अलवर के ही प्रताप ऑडिटोरियम में भव्य तरीके से किया गया था। कार्यक्रम में कौन-कौन मुख्य अतिथि हैं? आज इस कार्यक्रम में हमारे संस्थापक विप्र फाउंडेशन परम आदरणीय सुशील ओझा साहब हैं। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी कुछ ही क्षणों में पहुँच रहे हैं। माननीय शहर विधायक श्री संजय शर्मा जी हैं, पूर्व विधायक श्रीमान गंगावत जी हैं, नरेंद्र शर्मा जी हैं और डॉक्टर हर्षा त्रिवेदी दिल्ली से आई हैं, जो कि श्री परशुराम सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस में जो है उसकी संयोजक हैं। टोटल कितने लोगों को सम्मान किया जाएगा? इसमें लगभग 250 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा और 25 जो है पुरस्कार प्रतियोगिता के हैं। मैं धर्मेंद्र शर्मा, विप्र फाउंडेशन प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जोन प्रभारी 1D।